हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। अब मैं अंदर जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में। हम ट्रेन स्टेशन से एंटर हुए थे, मेन गेट से यूनिवर्सिटी के एंटर नहीं हुए थे अंदर। अब आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखते जा रहे हैं। हर फील्ड का इन्होंने अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, अलग बिल्डिंग बनाई हुई है। लेफ्ट साइड पे हमारी पूरी पार्किंग आ रही थी, जो जो बिल्डिंग है उसके सामने उस बिल्डिंग की पार्किंग बनाई हुई थी, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए इन्होंने बीच में रास्ता भी बनाया हुआ था। ये देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है। ये देखिए पूरा ये बिल्डिंग जो है एक ही डिपार्टमेंट की है, तो इसलिए इन्होंने बीच में से कनेक्शन दिया हुआ है। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी ग्लास की बनी हुई थी, और ये आई थिंक हंटर्स डिपार्टमेंट था इस बिल्डिंग का नाम। तो अब हम आगे चल के देख रहे हैं, ये देखिए इसके साथ इन्होंने ये भी बनाया हुआ है, मतलब स्टैचू, जगह जगह चीज़ें बनाई हुई होती थी इन्होंने। इस पर लिखा हुआ है स्लश कप ट्रिप जो हुआ था इनका, उसकी उसमें बनाया हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी मैं बिल्डिंग्स के ज़्यादा अंदर नहीं जा रही, अभी मैं आपको बाहर से पूरी जो है यूनिवर्सिटी दिखा रही हूँ। सिर्फ अभी इस बिल्डिंग के मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो थोड़ा अंदर जाके मैंने देखा। ये अभी बंद थी, ये इसकी क्लास है बेसिकली। अभी ये बंद था, आई डोंट नो वाई क्यों, लेकिन ये बिल्डिंग अभी बंद थी क्योंकि मे बी आज इसकी क्लास ना हो या वीकेंड पे ये ऑफ होती हो, इसलिए। खैर अब हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए, ये इन दोनों बिल्डिंग के बीच में से भी इन्होंने रास्ता दिया हुआ है आने जाने के लिए। ये पूरी जितनी भी ग्लास वाली बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये इसके बराबर वाली और इसके पीछे वाली जो बड़ी बिल्डिंग है, ये तीनों जो है हंटर्स डिपार्टमेंट थे। जगह जगह ब्लॉक्स पे इन्होंने चीज़ें लिख के लगाई हुई है। अब देखिए जो सामने वाला ब्लॉक है, इस पे ईरान के उसमें लिख के लगाया हुआ था, और पीछे वाले ब्लॉक पे इन्होंने अपना ट्रिप जो होती होगी इनकी उसके बारे में लिख के लगाया हुआ था। जगह जगह इन्होंने चीज़ें की हुई थी ताकि थोड़ी यूनिवर्सिटी खूबसूरत भी लगे और चीज़ें पता चलती रहें कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा रही हूँ। ये बेसिकली एक तरह से यहाँ पे क्लासेस तो नहीं होती थी इस बिल्डिंग में, बट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैफेटेरिया बना हुआ था, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे लोग आके स्टडी करने के लिए बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। यहाँ पे क्लासेस का नहीं था बेसिकली। देखिए अंदर से, आई थिंक इवेंट्स वगैरह भी होते होंगे तो यहाँ पर होते होंगे, और एडमिशन के लिए भी हम यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पे बना हुआ था काउंटर, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी बट क्लासेस इस बिल्डिंग में नहीं होती है बेसिकली। देखिए ये पूरा कैफेटेरिया बना हुआ है इनका, ऐसा लग रहा था किसी मॉल का फूड कोर्ट बना हुआ है, कैफेटेरिया तो लग ही नहीं रहा था। और यहाँ से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये खाना खा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर हर खाना हलाल नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे
छोटा सा मार्ट भी बना हुआ है कि किसी को कोई चीज़ लेनी हो, वाटर बॉटल, चॉकलेट्स या एनीथिंग, चिप्स वगैरह कुछ भी लेना हो, तो उसके लिए यहाँ पे मार्ट भी बना हुआ था। और हर बिल्डिंग में जो है एक बैंक की वो भी थी, एटीएम मशीन भी लगी हुई थी। ये जो बना हुआ था बीच में कॉर्नर पे रिसेप्शन टाइप का, ये जो था, ये था के लॉस्ट एंड फाउंड का, अगर कोई चीज़ किसी की खो जाए तो वो यहाँ पर आके सबमिट करवा दे, और जिस मतलब वो यहाँ पर आके अपना ढूंढ सकता है अपनी चीज़। लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर बना हुआ था ये। अब मैं बाहर निकलती हूँ और फिर आगे चल के देखते हैं कि और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और बिल्डिंग्स कैसी बनी हैं बेसिकली। अब थोड़ा सा और आगे आई हूँ मैं उस बिल्डिंग से, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक स्टैचू बना हुआ था। ऐसा लग रहा है लाइक बहुत सारे लोग इसको पकड़ के खड़े हुए थे। इन्होंने इस टाइप का ये जगह बनाई थी, ये बीच में से बेसिकली रोड क्रॉस करने का रोड था, बस खूबसूरती के लिए इन्होंने जगह जगह चीज़ें बनाई हुई हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं और देखिए राइट साइड पे जो बना हुआ है ये ग्लास का, ये बेसिकली हमारा जिम है। और जिम के बिल्कुल सामने जो अब पूरी पट्टी आ रही है, पूरी लाइन से जो घर आ रहे हैं और बिल्डिंग्स आ रही हैं, ये सारी अकोमोडेशंस थी। मींस यहाँ पे एक तरह से हॉस्टल समझ लें यूनिवर्सिटी का अपना, के लोग स्टे करते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो वो यहाँ पर आके इजली रह सकते हैं। आगे जाना बेकार था क्योंकि सिर्फ घर वगैरह थे, तो हम वापस आ गए और हमने बोला दूसरी साइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायनासोर का वो बना हुआ है स्कल्पचर, बड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा था ये डायनासोर की का। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट था ये देखिए पहले इसकी वो भी लिखा हुआ था डायनासोर के बारे में कि ये कौन सा काइंड का डायनासोर था और ये सब कुछ। ये जो डिपार्टमेंट था बेसिकली ये किनेसियोलॉजी डिपार्टमेंट था। हम अंदर नहीं गए, हम सीधे निकल गए क्योंकि अंदर जाके बाद में दिखाऊंगी मैं आपको ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल हम आगे की तरफ निकल गए। ये बीच में से रास्ता बना हुआ था एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, हम चाहते तो अंदर जा सकते थे, यहाँ से इंडस्ट्री के अंदर जा सकते थे, ये देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं और इसके दूसरे साइड से भी जा सकते हैं, दोनों साइड से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सीधे निकल गए क्योंकि फिर अभी हम देख रहे थे कि पूरी यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर हम एक डिपार्टमेंट के अंदर ही घुस जाते खाली तो सिर्फ वही देखने में हमें पूरा टाइम लग जाता, और चलना इतना पड़ रहा था यहाँ पे कि हम लोग चल चल के थक गए थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई थी इसलिए। जो मेरे लेफ्ट साइड पे सेंटर बना हुआ है ये बेसिकली एक मेडिकल सेंटर था, जैक्सन सेंटर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस का था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड स्टडी होती थी। अब हम थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, thank you.
क्या कहेंगे इसको, डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो ये भी एक तरह से इसके नीचे से गुजरने का रास्ता था, तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों पे फिर दिल चाहता है कि नीचे से गुजर के देखें और वीडियो बनाए अच्छी सी। तो फिर मैं इस तरफ चली गई, और ये वाला जो डिपार्टमेंट था ये बेसिकली गेम्स का डिपार्टमेंट था, तो इसलिए इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ था। ये गेम्स एंड ओलंपिक्स का, या गेम्स एंड ओलंपिक्स का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट का नाम। तो इस वक्त जो है पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रश सिर्फ इसी डिपार्टमेंट पे था। देखिए ओलंपिक्स ओवल ये डिपार्टमेंट का नाम था, मतलब इस बिल्डिंग का नाम था बेसिकली। सबसे ज़्यादा रश इसी में था, मे बी वीकेंड था तो लोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लिए और इसी चीज़ों के लिए आए हुए होते होंगे इसलिए। यहाँ पे भी हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस हम इसको क्रॉस कर रहे करेंगे ना। तो ये देखिए कितना रश हो रहा है अंदर से। हम लोग राइट साइड से चलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे तो हम लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ निकल गए। इसमें जो है यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं इस तरफ जिम था, और जिम भी होगा और डिफरेंट चीज़ें भी होंगी, और लेफ्ट साइड पे मे बी स्पोर्ट्स की प्लेइंग करने का कोई जगह होगी खेलने के लिए, जब भी सारे लोग वहाँ से बहुत आ रहे थे। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी रश था इस डिपार्टमेंट में। एनीवेज मैं अब हर बिल्डिंग के अंदर और हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्लासेस भी कैसे होती हैं, क्लासेस किस तरह की बनी हुई हैं, और मज़ीद आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बनी हुई है कि मैं एक दफ़ा मैं आपको पूरी दिखा भी नहीं पाती। तो देखिए जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बिल्डिंग 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 ही दिख रही है। ये राइट साइड पे हमारा इंटरनेशनल हाउस है, ये भी एकोमोडेशन ही है एक तरह से। एनीवेज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपको शो होती रहें। थैंक यू, बाय।